हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। बहुत बचपन से जानते आ रहे हैं ब्लड रिलेशन। कहिएगा बचपन से कैसे? तो बचपन में ही सबसे पहले आपको बोलना सिखाया गया कि पापा हैं, ये मम्मी हैं, ये मामा जी हैं, ये दादा जी हैं, नाना जी हैं, नानी हैं, मामी हैं। जब सियाने हो गए, शादी विवाह हो गया, तो ये पत्नी है, ये साली है, ये सरहोज है, वो सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। और जब किताब में पढ़ने जाते हैं तो दिमाग चकराए लगता है, जबकि ये कोई बड़ी बात है नहीं। सोचिए, हम लोग जो अपनी पीढ़ी में हैं, तो अपनी पीढ़ी में कौन कौन, हमारी पीढ़ी, दो पीढ़ी ऊपर जानना है, दो पीढ़ी नीचे जानना है, एक पीढ़ी अपना, पांच को पीढ़ी में जानना है, सवाल ही पाँच पीढ़ी में होगा। तो अपने बराबर के पीढ़ी में कौन कौन होगा? हम होंगे, भाई बहन होंगे, साला साली, पत्नी, ये सारे हो जाएंगे हमारे बराबर पीढ़ी में। अब भाई बहन में कोई भी हो सकता है, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, सारे भाई बहन होते हैं ना। तो ये भाई बहन किसी भी प्रकार का भाई, हाँ, दोस्तियारे वाला भाई नहीं। ब्लड रिलेशन का मतलब है रक्त संबंध, जिससे खून का रिश्ता हो। तो दोस्तों, अब अगर हम बात कर लें एक पीढ़ी नीचे की, तो अपने से एक पीढ़ी नीचे आने वाला जेनरेशन जो है अपना बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, ये सब हो गया एक पीढ़ी नीचे। दो पीढ़ी नीचे अपने लोग से, दो पीढ़ी नीचे कौन होगा? सोचिए, तब तक बूढ़ा हो जाएंगे हम लोग। दो पीढ़ी नीचे पोता, पोती, नाती, नतनी, ये सब हो जाएंगे दो पीढ़ी नीचे। अब अपने से एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं, तो एक पीढ़ी ऊपर में कौन है? मम्मी पापा, सास ससुर, मामा जी, मामी, मौसा मौसी, फुफा फुआ, चाचा चाची, ये सारे जो हो जाएंगे ना अपने से एक पीढ़ी ऊपर, यानी अपने पिताजी और मामा जी के, पिता मम्मी के बराबर के पीढ़ी वाले जो भी हों। उसके बाद अगर हम बात करें कि दो पीढ़ी ऊपर, अपने लोग से दो पीढ़ी ऊपर, दादा दादी, नाना नानी, ये बात न समझ में आ रहा, ये लिख कर याद करने का बात है क्या? नहीं भाई, इसको लिख कर रटने की कहां जरूरत है? आपसे दो पीढ़ी ऊपर आपके दादाजी होंगे, नहीं दीजिएगा दो पीढ़ी ऊपर स्थान उनका। आपसे दो पीढ़ी ऊपर आपके दादा दादी, नाना नानी हो गए कि नहीं? एक पीढ़ी ऊपर में पापा मम्मी, फूफा फूआ, चाचा चाची, मामा मामी, बराबर पीढ़ी में आप हैं, आपके भाई बहन, साला साली, ये सारे हो जाएंगे आपके बराबर के पीढ़ी में। ठीक है, नीचे वाला आप समझ गए हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे और एक चीज और जानते हैं, कुछ का हिंदी नाम और उसमें इंग्लिश में जब आता है ऑप्शन तो कन्फ्यूज होते रहते हैं, तो कन्फ्यूज ना होना है। देखिए, पीढ़ी सारणी क्रम में, पीढ़ी क्रम, पुरुष मेल महिला, पुरुष इंग्लिश में मेल कहा जाता है, महिला को फीमेल। दो पीढ़ी ऊपर कौन है? नाना, तो नाना और नाना को, नाना जो होता है, नाना जो होता है वो मेल होता है ना, नाना जो होगा वो क्या होगा? मेल ही होगा। नाना होने के लिए पुरुष होना जरूरी होता है, उसको मैटरनल ग्रैंडफादर कहा जाता है। ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर, दादी को ग्रैंड मदर, नानी को मैटरनल ग्रैंड मदर। यहाँ पिता है तो फादर, माँ है मदर, चाचा या फूफा को अंकल कहा जाता है। दोस्तों, चाचा और फूफा को क्या कहा जाता है? अंकल कहा जाता है, और चाची और फूआ को आंट कहा जाता है। मामा मौसा को मैटरनल अंकल बोला जाता है, मैटरनल अंकल मामा या मौसा, मौसी या मामी, ये मैटरनल आंट हो जाती है। मैटरनल आंट ऑप्शन में रहेगा तो मौसी भी होगी या मामी भी होगी। मैटरनल से याद करना माँ के तरफ का, और पैटरनल से याद करना पिता के तरफ का। ठीक, अब सुनो, ससुर तो फादर इन लॉ, और सास मदर इन लॉ, जानते ही होंगे। भाई ब्रदर, बहन यानी सिस्टर। अच्छा, चचेरा फुफेरा, चचेरी फुफेरी, ये सारे हो जाएंगे। और उसके बाद है ममेरा भाई, तो कजन मौसेरी, कजिन, बहनोई बहनोई यानी ब्रदर इन लॉ कहलाएगा, साला भी आ जाएगा ब्रदर इन लॉ में। उसके बाद भाभी, साली और ननद सिस्टर इन लॉ में आ जाएंगे। कौन कौन? भाभी, साली, ननद, ये सब। अब चलिए आगे है आपका पति,
पति को इंग्लिश में हस्बैंड और पत्नी को क्या कहते हैं, वाइफ कहते हैं। ये चीज़ें आप जानते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर भतीजी नेफ्यू इंग्लिश में भतीजा है, सॉरी भतीजा नेफ्यू, और भतीजी को निस्सी। आगे देखिए भगना, भगना हो भगनी हो तो दामाद, इसको सन इन लॉ कहा जाता है। आगे है पुत्रवधू, पुत्रवधू, अच्छा भगना जो हो गया लड़का होगा, कोई मेल होगा, भगनी महिला होगी, दामाद को सन इन लॉ कहते हैं। अच्छा भगना को नहीं कहेंगे सन इन लॉ, ये अलग है, इसको समझिएगा। हाँ भगना हो गया पुरुष में, भगनी हो गया महिला में। अच्छा ये सब भतीजा, ये मतलब क्या, नेफ्यू में ये दोनों आ जाता है, भतीजा और भगना दोनों, अब भतीजी आ भगनी निस्सी में हो गया, ठीक है। आगे है दामाद मतलब सन इन लॉ, पुत्रवधू यानी डॉटर इन लॉ यानी जिसको पुतोह कहते हैं, पोता, पोता इसको क्या, ग्रैंडसन, पोती ग्रैंड डॉटर, नाती ग्रैंडसन, अनतनी ग्रैंड डॉटर। तो ये बात है, यानी ग्रैंडसन में पोता पोती कोई भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर में पोती अनतनी हो सकती है। ये चीज़ें कुछ इंग्लिश में वर्ड था, इसको जानना आपको ज़रूरी था, याद कर लीजिएगा। अब इससे पहले मैं आपसे बात कर लूँ थोड़ा सा बेसिक चीज़ों का। सबसे पहले दोस्तों इस एरो को ध्यान से देखिएगा, ये हेड है, ये टेल है, और इसको बेस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेस। इसको क्या बोलते हैं, टेल। इसको क्या बोलते हैं, हेड। तो हेड, टेल और बेस याद रहे। जब कोई बराबर पीढ़ी का चर्चा हो तो एरो ऐसे बनाइएगा, ऊपर के पीढ़ी का चर्चा हो तो ऐसे बनाइएगा, नीचे के पीढ़ी का चर्चा हो तो ऐसे बनाइएगा, ये काम करना है आपको। रिलेशन में जो है उसको हेड पर लिखना है, जिसका है उसे टेल पर लिखना है, और जो रिलेशन है उसे बेस पर लिखना है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि ए बी का पिता है, मैंने क्या बोला, ए बी का पिता है, तो आपको लिखना है पिता का चर्चा हुआ, यानी एक पीढ़ी ऊपर का चर्चा हुआ। पिता का चर्चा होने का मतलब एक पीढ़ी ऊपर का चर्चा, तो ऐसे बना देंगे, ए पिता है किसका, बी का, तो बी नीचे लिखा जाएगा और यहाँ पिता लिखा जाएगा कि ए पिता है किसका, बी का। अगर मान लीजिए अगर आपके सामने ऐसे दिया हुआ हो, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए, लिखेंगे बी, ए बी का भाई है, ए भाई है ना, तो हेड रहेगा ए के तरफ और यहाँ लिख देंगे भाई। और ध्यान रहे दोस्तों इसमें भाई ए है तो ये मेल है, ये पक्का है, लेकिन बी के बारे में नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल, तो भाई ये है लेकिन बी कौन लगा ए का ये नहीं पता, क्योंकि बी हो सकता है लड़की हो तो बहन और लड़का हो तब भाई, ठीक है। तो किसी का भी जेंडर क्लियर होगा तभी पता चलेगा वो भाई है या बहन है, या अगर वो भाई है तो लड़का है और बहन है तो लड़की है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए, आपको पता है इकलौता संतान का मतलब होता है, इकलौता संतान का मतलब उस व्यक्ति के पास और कोई संतान नहीं है एक के अलावे, ना बेटा ना बेटी। लेकिन इकलौता पुत्र कहने का मतलब है कि उसके पास बेटा केवल एक है, और बेटी के बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते, हो सकता है कि उसके पास बेटी हो सकता है बेटी ना हो, दो हो, तीन हो, एक हो। अगर इकलौता पुत्र कहे इसका मतलब बेटा केवल एक है, और अगर कहे इकलौता संतान तो कहिएगा कि बेटा बेटी मिला के ही कोई एक है, ठीक है, कोई एक ही है। चलिए, अच्छा आपको इतना पता होना चाहिए, पिताजी की बहन के पति, अगर ऐसा चर्चा होता है तो आपको सोचना है पिताजी के बहन तो हमारी बुआ, बुआ के पति तो फूफा जी होते हैं, आपको ऐसे सोचना है। अगर बोले आपके पिता के पत्नी के भाई के पिता, आपके कौन लगे, तो आपके पिता के पत्नी आपकी माँ,
के भाई यानी आपके मामा जी के पिता, मामा जी के पिता नाना, आपको ऐसे सोचना है। ध्यान दीजिएगा, हम आते हैं अब सवाल पर और देखिए आपको समझाते हैं बहुत आसानी से छोटा छोटा क्वेश्चन करते हुए। सबसे पहले दोस्तों कहता है ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, बी का एम से क्या संबंध है। एक चीज और आपको जानना है कि संबंध किसके बारे में पूछ रहा है ये बात। जब कहे राम का संबंध दशरथ से क्या होगा तो आपको यह कंफर्म हो जाना है कि पूछ किसके बारे में रहा है। राम का संबंध दशरथ से क्या होगा यानी आपसे पूछा जा रहा है राम के बारे में, तो राम दशरथ के कौन है, पुत्र है। अगर कहे कि दशरथ का संबंध राम से क्या होगा यानी आपसे दशरथ के बारे में पूछा जा रहा है, और दशरथ क्या है बता दीजिए, राम के कौन लगते हैं दशरथ, पिता, तो पिता बोलेंगे। राम एवं दशरथ के बीच पुत्र और पिता का संबंध है, बीच कह दिया। तो यहां पर देखिए बी का एम से क्या संबंध है, का लगा है बी के बाद, बी का एम से क्या संबंध है, बी का यानी बी के बारे में बताना है और एम के रिस्पेक्ट में बताना है। आइए, कहता है ए बी का भाई है, ए जो है किसका भाई, बी का, तो हेड के तरफ ए रहेगा, ए जो है बी का भाई है, ए बी का भाई है, बना दिया। सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, बी की माँ, चलिए बी की माँ कौन है, तो सी है, सी बी की माँ है। एम सी की बहन है, एम सी की बहन, अब सी की बहन कौन हो गई जानते हैं, सी की बहन एम है। अब कहता है एम सी की बहन है, बी का एम से क्या संबंध है, बी का एम से क्या संबंध है। पहले बोला था ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, उसके बाद एम सी की बहन है, तो एम माने जो है, देखिए यहाँ पर हेड पर कौन रहेगा, एम सी की बहन है, सी की बहन है एम, एम ना, तो एम बहन है इसलिए एम को हेड के तरफ रखें, और किसका, सी का, तो सी को टेल पर, यानी जिसके बारे में कहा जाए उसे हेड पर और जिसके रिस्पेक्ट में हो उसे टेल पर। अब सवाल में पूछता है कि बी का एम से क्या संबंध है, बी का एम से, अच्छा बी के बारे में आपको ये पता है ये लड़का है कि लड़की, क्योंकि बी का भाई ए है, तो ए पुरुष है यानी मेल है, मेल है। बी के माँ सी है, तो सी फीमेल है, क्योंकि माँ जो होता है लड़का का भी या लड़की का भी। और बी के बारे में कन्फर्म नहीं है कि बी लड़का है कि लड़की, इसलिए आप नहीं बता सकते कि बी जो है एम का कौन लगेगा, क्योंकि बी के तो माँ सी है, सी के बहन एम है, तो एम मौसी हो गया बी का, लेकिन बी लड़का है कि लड़की, इसलिए भतीजा होगा कि भतीजी, कुछ नहीं पता, इसलिए हम आंसर कहेंगे ऑप्शन डी, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, आइए आगे। अगला सवाल आपका दूसरा, यदि ए का बी, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो डी का ए से क्या संबंध है। देखिए, जो है उसे हेड पर और जिसका है उसे टेल पर, ऊपर के पीढ़ी में एरो ऊपर जाएगा, बराबर के पीढ़ी में बराबर जाएगा और नीचे के पीढ़ी में एरो नीचे जाएगा। कहता है ए बी का भाई है, भाई वाला चर्चा हुआ है, हेड पर उसको लिखिएगा जो भाई है, ए बी का भाई है, ए भाई है किसका, बी का, तभी यहां लिखेंगे ए भाई है, हेड पर सॉरी बेस पर वो रिलेशन लिख देंगे जो रिलेशन का चर्चा हुआ, ए बी का भाई है। अब कहता है बी सी की बहन है, बी किसकी बहन, सी की, बी बहन है ना, तब बी को हेड पर होना है, अब बराबर पीढ़ी का ही चर्चा है, बी सी की बहन है, ठीक बात, यानी ये सब आपस में भाई बहन। अब कहता है सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, सी जो है ना किसका पिता, डी का, तब पिता है सी ना, तो ये रहेगा हेड पर, सी डी का पिता है, लीजिए सी किसका पिता है, डी का, सी डी का पिता है, तो डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, आपसे यहां डी पूछा जा रहा है डी के बारे में। यहां भी देख लीजिए, डी के पिता सी है, डी के पिता सी है, तो पिताजी की बहन फुआ, और फुआ के भाई, यहां फुआ के भाई चाचा हो गया ना, जैसे देखिए डी के पिता, पिता के बहन बुआ, अब बुआ के भाई चाचा, क्योंकि पिता नहीं होगा, पिता यही था इसलिए ये चाचा होगा। लेकिन अब डी लड़का है कि लड़की ये तो नहीं पता ना,
क्योंकि पिताजी सी है, तो सी पुरुष है लेकिन डी के बारे में नहीं पता, और पूछा है सी डी का पिता है तो डी का ऐसे क्या संबंध है, डी के बारे में पूछ रहा है, इसलिए आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका भी आंसर डी हो जाएगा, यानी कि निर्धारित नहीं कर सकते, इसका आंकड़ा अपर्याप्त है। ठीक, अगला 3 नंबर सवाल है दोस्तों, और ये कहता है सी का पिता ए है और बी का पुत्र डी है, ए का भाई ई है, यदि डी की बहन सी है तो ई का बी से क्या संबंध है। कहता है सी का पिता ए है, उसके बाद कहता है देखिए सी का पिता ए है तो जो है उसको हेड पर, पिता कौन है ए ना, तो ए को हेड पर लिखना है, सी का पिता ए है। अब कहता है बी का पुत्र डी है, तो बी और डी तो इसमें नहीं है, इसको छोड़िए अभी, ए का भाई ई है, तो ई को हेड पर लिखे, ए का भाई ई है। अब इसको बी और डी को जोड़ सकते नहीं जोड़ सकते, आगे यदि डी की बहन सी है, डी के बहन सी है, तो सी को हेड पर लिख दिए। अब डी के बारे में नहीं पता लड़का है कि लड़की, अब यहाँ जोड़ लेते हैं, बी का पुत्र डी है। देखिए पुत्र का चर्चा हुआ था पीढ़ी नीचे की तरफ, एडो नीचे की तरफ, और डी पुत्र है तो जो है वो हेड पर, जिसका है उसे टेल पर, बी यहाँ हो गया। अब आपको पहले ये पता करना है, सवाल कहता है ई का बी से क्या संबंध है, बी यहाँ है ई यहाँ है, दोस्तों रुक जाना, बी का ही पुत्र आ एकर बहन, तो ई भी हो गया पुत्री हो गई बी के, आ इसके पिताजी, इसका मतलब है कि जब इसका ये दोनों संतान है और इसके पिता यहाँ हैं तो ये माँ हो गई, बी माँ हो गई दोस्तों, काहे कि अगर देखिए बी के पुत्र डी आ डी के बहन सी, यानी ये दोनों के, ये दोनों हो गया इसी का संतान और इसके पिता यहाँ हैं, तब माँ हो जाएगी बी, क्योंकि संतान पिता के और माता के दोनों के होता है, पिताजी मिल गए हैं और संतान यही दोनों का ही सब संतान है ये दोनों, तो बी यहाँ माँ हो जाएगा और ए पिता तो है ही है। अब यहाँ पर देखिएगा ये पिता है और पिताजी के भाई है ई, तो चाचा, यानी डी और सी का चाचा है ई, यानी कि बी जो हो गई भाभी हो गई ई के, कैसे नहीं समझे, देखिए बी का पुत्र डी आ पुत्र का बहन त पुत्री आ पुत्री के पिता त पति, यानी बी के पति, ऐसे पकड़िए बी के पति आ पति का भाई त देवर, यानी ई देवर है आ बी क्या हो जाएगी भाभी, तो भाभी आ देवर ऑप्शन ए, कैसे पकड़े फिर देखिए बी है बी का पुत्र डी, तो ऐसे पढ़िए बी का पुत्र यहाँ है आ पुत्र के बहन पुत्री, यानी एकड़ी पुत्री आ पुत्री के पिता त पति, पुत्री के पिता कोई महिला है और उस महिला के पुत्री के जो पिता होंगे महिला के पति आ पति का भाई त देवर, यानी भाभी और ये देवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा चौथा, कहता है बी की बहन ए है, बी की माता सी है, सी का पिता डी है, तो ए है डी का कौन, बी की बहन ए है बहन, तो ए को हेड पर लिखना है और बराबर पीढ़ी है तो बराबर में लिखना है। कहता है बी की बहन कौन है ए लड़की है ये कन्फर्म है, लेकिन बी लड़का है या लड़की ये कन्फर्म नहीं है। आगे बी की माता सी है, बी के माँ सी है, बी के माता कौन है सी है, सी का पिता डी है, लीजिए सी के भी पिता है ऊपर में डी सी के पिता है, लीजिए सी के पिता है कौन डी, सी का पिता डी है, तो ए है डी का यानी ए के बारे में पूछ रहा है, ए कौन लगेगा डी का, ए डी का कौन, देखिए बी की इधर बहन और बी के यहाँ पिता और सॉरी बी के यहाँ माँ है, माँ के पिता नाना, तब बी के यहाँ नाना
तो इसके भी नाना हुए, तो सवाल पूछता है ए के बारे में, तो ए नतनी हो गई, नातिन। ऑप्शन सी में दिया हुआ है पोतिया नातिन है, तो यहाँ मारिए, हो गया। आगे बढ़ूँ, अगला क्वेश्चन पांचवा कहता है ए बी और सी बहने हैं, ई का भाई डी है और ई बी की बेटी है, बताएं कि ए से डी का क्या रिश्ता है। ए बी और सी बहने हैं, ए बी और सी आपस में क्या हैं, बहन हैं। ए बी सी आपस में बहन हैं, यानी ये सारे आपस में बहन हैं। तो एरो इसके तरफ भी, इसके तरफ भी, इसके तरफ भी, इसके तरफ भी। ए बी सी क्या है, बहन है, ए बी सी बहने हैं। ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, तो इसमें तो नहीं है, तो इसको अभी छोड़ दे रहे हैं। ई का भाई डी है, ई बी की बेटी है, ई बी की बेटी है, अच्छा, तो ए से डी का क्या रिश्ता है। यहाँ पर है कि ई बी की बेटी है, ई बी की बेटी है, बी की बेटी, देखिए बी की बेटी, बी की बेटी, ई बी की बेटी है, ई जो है ना बी की बेटी है। उसके बाद अब इसको जोड़ देते हैं, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, ई का भाई भी है, तो भाई है वही ना हेड पर रहेगा, ई का भाई डी है। अब कहता है बताइए कि ए से डी का क्या रिश्ता है, ए से डी का रिश्ता, देखिए ये सब तो बहन है, बहन के बेटी, बहन के बेटी यानी भतीजी कहलाएगी, और भतीजी का भाई भतीजा, आप इसका आंसर कहेंगे भतीजा, ठीक है। आगे सवाल छठा कहता है ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है, ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है, ई एफ की माता है जिसका भाई डी है, ए का ई से क्या संबंध है। जिसका या जो की का चर्चा होगा तो सवाल कैसे बनाना है देखिएगा। ए सी का पिता है, पहले ई बात लिख लीजिए, ए सी का पिता है, ए जो है ना किसका पिता है, ए सी का पिता है, जिसका पुत्र डी है, तो जिसका पुत्र डी है, डी किसका पुत्र है, तो पीछे लौट या जे पहले मिलेगा उसके बारे में। जिसका पुत्र डी है यानी सी का पुत्र डी है, ऐसे पढ़ना है, सी का पुत्र कौन है, डी, तो सी का पुत्र डी है, डी हो जाएगा। यहाँ था ए सी का पिता है, ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है, यानी सी का पुत्र डी है, सी का पुत्र डी है। आगे है ई एफ की माता है, ई एफ की माता है जिसका भाई डी है, जिसका भाई डी है, देखिएगा जिसका भाई डी है, जिस देखिए ई एफ की माता है जिसका भाई डी है, यानी जिसका भाई डी है, तो इसके पीछे लौटिए कि डी किसका भाई है, एफ का, एफ का, तो यहाँ डी किसका भाई है, एफ का, डी भाई है, डी भाई है किसका, एफ का। और यहाँ पर है कि ई एफ की माता है, ई माता है एफ के, माँ है इसलिए ऊपर के पीढ़ी में। अब ये दोनों तो हो गया भाई बहन या भाई जो भी कहिए, ये दोनों, क्योंकि इसके बारे में नहीं पता पुरुष की महिला, लेकिन एफ का भाई डी है तो ये भाई है, अब माँ यहाँ है और डी इसका पुत्र है, तो देखिए ये दोनों भाई है, अब माँ यहाँ है तो एक पिता होंगे, तो जिसका पुत्र है तो माँ तो यहाँ है, तो यानी कि ये पिता हो जाएगा, और यहाँ पर जो है दादाजी हो गए, पिताजी के पिता, दादा। सवाल कहता है, सवाल कहता है ए का ई से क्या संबंध है, ए का संबंध पूछा है, ए का ई से, ई से ना, तो ये माँ इन दोनों का, और ई दोनों का ये दादा है, यानी ये पुतो हो गई और ये ससुर हो गए, तो सवाल पूछता है ए के बारे में, ए का ई से क्या संबंध है, तो ये ससुर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हमारा। अगला सवाल 10 सात नंबर कहता है यदि ए का, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी के पिता है, ई डी की माँ है, तो बताएं कि ए का डी से क्या रिश्ता है। मुझे उम्मीद है आप बना पाएंगे। ए बी की बहन है, देखिए ए जो है बी की बहन है, बहन ए है ना, तो ए को हेड पर लिखना है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, लीजिए सी जो है बी की माँ है, आगे है सी बी की माँ है, अब डी सी के पिता हैं, डी सी के पिता हैं, डी को ऊपर लिख देना है, पिता यहाँ लिख देना है, चलिए डी सी के पिता है। अब कहता है ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, ई
डी की माँ है, ई ऊपर हो जाएगा माँ हो जाएगा, लीजिए ई डी की माँ है। अब कहता है बताएं कि ए का डी से क्या रिश्ता है, ए का डी से यहीं पढ़ाना है तो बहन, ये मान लीजिए भाई हो या बहन हो, तो इसके माँ तो इसका भी माँ, और माँ के पिता नाना, नाना हो जाएगा डी। कहता है ई डी की माँ है तो बताए कि ए का डी से क्या संबंध है, ए का ना तो ए हो जाएगी नतनी, क्योंकि नाना तो नतनी, पोती या नतनी, ऑप्शन डी मारना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को लेकर। जितने भी तस्वीर वाला है, महिला के साथ जा रहा है एक बच्चा, तो ये बताने वाला परिचय वाला जो होता है वो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है। और फिर बैंकिंग के लिए भी 5-5 नंबर का पूछा जाता है, वो सारे टाइप के करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।